स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा समाजवादी पार्टी के राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती तथा शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के अध्यक्षता में बेतिया हाथा स्थित पार्टी कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और उन्हीं के संघर्षों पर समाजवादी पार्टी चल रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गरीबों, दलितों, मजदूरों की लड़ाई हमेशा लड़े तथा देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आजादी से पहले ही ला दिया था। राम मनोहर लोहिया ने अपनी प्रकृति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ अपने विरोधियों के बीच भी अपार सम्मान हासिल किया। उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के साथ उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने जीवन की आहुति दी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मोहसिन खान, प्रहलाद यादव, एमएलसी प्रत्याशी रजनीश यादव, अखिलेश यादव, राम सिंह, राजेश सिंह, ज्योति यादव, संतोष यादव, मनोज निषाद सहित इत्यादि समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, देखिए आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और उसी संघर्ष के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है। आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं और आज ही हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जो विधान परिषद सदस्य का चुनाव चल रहा है, पर्चा की जांच भी थी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पर्चे की जांच कराया और आज फिर लोहिया जी का जन्मदिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में लोहिया जी? देखिए, लोहिया जी ने एक बात कहा था, उसी फार्मूले के तहत आज हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। हम मानेंगे भी नहीं, हम मारेंगे भी। तो हमारे साथियों ने भी आज उसी समाजवादी विचारधारा के साथ प्रशासन से लगातार संघर्ष करके आज एक अपनी जीत हासिल किया, अपने पर्चे को बचाने का काम किया। आज उनके विचारों पर इसलिए हमको चलना ज़रूरी है कि समाज के भेदभाव को मिटा करके, ऊंच नीच को मिटा करके, जो एक वैमनस्यता पैदा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको दूर करके आज हम लोग उनके जन्मदिन पर संकल्प लेंगे एक नए समाज की संरचना करते हुए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कामयाबी हासिल करेगी।